वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम रविशंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो गाइज, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस BTS एडिशन के बारे में, और साथ में गैलेक्सी बड्स के BTS एडिशन के बारे में भी बताऊँगा, और उसके प्राइस, फीचर्स और लॉन्च डेट सभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइज, उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेगा, और जो लोग नहीं जानते हैं कि BTS एडिशन क्या है तो वो भी मैंने बताया है कि क्या है ये BTS एडिशन। तो गाइज, इसके लिए पूरा वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक के अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो गाइज, मेरे वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ BTS एडिशन क्या है। जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों को नहीं पता है BTS एडिशन क्या है, तो मैं बता दूँ, ये BTS एडिशन बेसिकली एक BTS बैंड के साथ कोलैबोरेशन है। तो BTS बैंड तो आप जानते ही होंगे, साउथ कोरियन एक म्यूजिकल हिप हॉप बैंड है BTS। उसके साथ कोलैब करके सैमसंग ने स्पेशल एडिशन फ़ोन निकाला है अपना। स्पेशल एडिशन फ़ोन मतलब जो उसका प्रीवियस वर्जन था, लेटेस्ट वर्जन जो था S20 अल्ट्रा और गैलेक्सी बर्ड्स ईयरबड्स, तो उसी का BTS एडिशन निकाला गया है। जैसे कि वन प्लस एवेंजर्स एडिशन निकाला गया था, जिसमें एवेंजर्स का स्पेशल लोगो वगैरह था, स्पेशल एवेंजर्स थीम था, वैसे ही ये BTS का स्पेशल थीम है। इसमें बेसिकली आप लोगों को पर्पल कलर का ये फ़ोन मिल जाता है, जो जैसा कि BTS का थीम है, और इसमें आप लोगों को रियर में BTS का लोगो भी मिल जाता है, और कैमरा में भी आप लोगों को हार्ट का लोगो मिल जाता है बिल्कुल BTS का। और इंटरनल के लिए भी बात करें तो इसमें आप लोगों को थीम भी है, जो कि बहुत कुछ मैचिंग मिलता है BTS के जैसा ही। और बाकी फीचर्स बात करें तो गाइस, फीचर्स तो नॉर्मल है, जैसा आप लोगों को S20 अल्ट्रा में मिल जाता था, वही सेम फीचर्स आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। जैसे कि गाइस, इसमें आप लोगों को डिस्प्ले 6.70 इंचेस का 144p डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, और फिर रियर कैमरा आप लोगों को 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस एक और 12 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है। और इसमें एक है सैमसंग का प्रोसेसर, जो कि एक्साइनोस 990 प्रोसेसर है, और फ्रंट कैमरा में आप लोगों को 10 मेगापिक्सल मिल जाता है, और स्टोरेज बहुत ही एक्साइटिंग है इसका, जो कि 128 GB, एंड रैम भी बहुत एक्साइटिंग है, 12 GB आप लोगों को रैम मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। और बैटरी भी आप लोगों को 4500 mAh और एंड्रॉयड 10 मिल जाता है इसमें। तो ये सब नॉर्मल फीचर्स है जो कि ऑलरेडी है सैमसंग के S20 अल्ट्रा में, पर ये BTS एडिशन में और बेसिकली एक्सटर्नली जो भी चीज़ है, आउटलेट फिजिकल लुक जो होता है वो चेंज किया गया है इसका पर्पल कलर में, जो कि बहुत ही अच्छी कलर, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा सा अपीलिंग लुक है। और कहीं जब बात करें इसके बर्ड्स के बारे में, गैलेक्सी बर्ड्स जो कि है ईयरबड्स, और ये भी आप लोगों को BTS थीम में ही मिल जाएगा, जो इसका आउटर जो चार्जिंग केस है, जो कि वायरलेस चार्जिंग केस है, वो आप लोगों को ब्लू कलर का BTS एडिशन में मिल जाएगा, और BTS का लोगो भी उसमें मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। गाइज, अब बात करें इसके प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में, तो गाइज़ ये 9 जुलाई से अवेलेबल हो जाएगा सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट में, और आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं 19 जुलाई के बाद ही मिलेगा आप लोगों को ये फ़ोन सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट में, आप बाई कर सकते हैं। और प्राइसिंग की बात करें तो इसमें आप लोगों को 79,000 का प्राइस सेगमेंट में मिल जाएगा, 70-80 ऐसा का इस रेंज में ही मिल जाएगा ये फ़ोन। और गैलेक्सी ईयरबड्स भी आप लोगों को $199 मिल जाएगा, जो कि अप्रॉक्स 7-13,000 में मिल जाएगा ये गैलेक्सी ईयरबड। तो बस गाइज, इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा अपने ओपिनियन, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइज, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक के अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।